व्हाट्स अप गाइस, दिस इज बॉय हर्षित। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 19 आरडी शर्मा क्लास 11। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन टर्म्स आते हैं, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। कॉन्सेप्ट समझना है, दो मिनट का कॉन्सेप्ट है। सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली सीक्वेंस कोई भी एक ऐसा ऑर्डर ऑफ नंबर्स होता है जो कि नेचुरल नंबर के डोमेन में एग्जिस्ट करता है। मतलब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब इन्हीं के बीच में कुछ ऐसा नंबर होता है, सपोज करिए। और इसका कोई जरूरी नहीं है कोई रूल फिक्स करके हम लोग नंबर को ऐसे लिखें, जैसे कि 4 by 9, 1 by 9, 8, 2, 4। मतलब मैंने अपने मन से कोई भी नंबर लिख जाना है, ये सीक्वेंस कहलाता है। सीरीज़ क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं, जैसे ये है, अगर हमने इसको एडिशन करके लिख दिया, 4 by 9 plus minus 1 by 9 plus minus 8 by 8 plus minus 2, तो ये बेसिकली ये सीरीज़ कहलाता है। और रही बात प्रोग्रेशन, किसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, उसको बोलते हैं एक ऐसा सीक्वेंस, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसका कोई एक डेफिनेट रूल हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सीक्वेंस ही है जनरल। लेकिन इसका रूल है, रूल क्या है कि ये जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो पिछले वाले टर्म से एक ग्रेटर होगा। देखिए, या फिर आप ये लिख सकते हो 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6। जनरली ये प्रोग्रेशन के एग्जांपल है, मतलब इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनका रूल फिक्स्ड है। ये जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल होगा, आगे मैं बताऊंगा इसे क्या क्या होता है। तो जनरली इसका रूल फिक्स्ड है, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस की तरह नहीं जो मन में आया कुछ भी लिख दिया, इनका रूल फिक्स्ड है। बेसिकली ये होता है प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये इस पेज में पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब आती है बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उनको बोलते हैं जिनका डिफरेंस ऑफ टर्म हमेशा कांस्टेंट हो। क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, 9। बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस ऑफ टर्म है, 3 minus 1, 2, 5 minus 2, 2, 2, 9 minus 7, 2, ये डिफरेंस ऑफ द टर्म्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट आ रहे हैं, मतलब वो 2 ही आ रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जनरली ये एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग से हो जाएगा। ये एग्जांपल देखते हैं, सो डेट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको ये करना है कि ये जो ये सीक्वेंस है इनको शो करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जनरली ये कौन सा सीक्वेंस है, 4n + 5, an = 4n + 5। तो इनको हमको शो करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे एक आगे वाला टर्म ले लेंगे 4n + 1 + 5, और पीछे वाला एक टर्म, पिछले वाला ये मान लीजिए ये आ जाएगा, तो ये पीछे वाला टर्म ये हो ही जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4n + 5। बेसिकली आएगा 4n + 4 + 5 - 4n + 5, ये है। तो ये 4n से 4n कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, बचा 4। ठीक, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल रहा है, 4। बेसिकली 4 एक कांस्टेंट नंबर है, ये भाई साहब n पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये n पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, n पे डिपेंड नहीं करते हैं क्या मतलब, बेसिकली कोई भी टर्म लेंगे, n की वैल्यू कोई भी लेंगे हम लोग, सपोज़ x = 1, 2, 3, कोई भी टर्म लेंगे ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा।
ये चेंज नहीं होगा, ये देखिए कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ये एन के रिलेशन में नहीं आया, और इसका एल्गोरिदम में भी दिया है, इफ़ ए एन एन माइनस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन द गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा अगर वो एन से इंडिपेंडेंट होगा तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, हो गया, और अदरवाइज नॉट इन ए पी। यार बेसिकली ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, हलवा एग्जांपल हैं, सब हो जाएगा आपसे इजीली, एक्सरसाइज कर ले जाओगे, एन की वैल्यू पे एन इज इक्वल टू वन टू पुट करके सारे आंसर्स निकालना है, ये पूरे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल टर्म्स ऑफ एन ए पी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।